भाई जान बात यह है कि आपको जब एक बर्ड को रखने का पता ही नहीं है तो आप शुरू में ही 4-5 लाख रुपए वाला जोड़ा एक पेड़ ला के आप रख लेते हैं, आपको पता ही नहीं कि यार इससे ब्रीड कैसे लेनी है, तो आपने 4-5 लाख रुपया जाया ही करना है ना। तो उससे अच्छा ये है कि शुरू से अल्बाइनो ब्लैक आई का या स्प्लिट का पेड़ लेके रख ले, उससे कुछ थोड़ा सीख ले, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको अपग्रेड करते जाए। आपको हमेशा बाय जब करना चाहिए पट्ठा बाय करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको जाके रखते हैं ना अपने एटमॉस्फेयर में वो एडजस्ट हो जाता है, जधर वो उस जाके जिस जगह पे वो बड़ा होता है ना आपका बर्ड, वो उसको अपना घर समझ लेता है कि अब ये मेरा घर है, वो फिर उधर ब्रीड बहुत अच्छी करता है। अगर आप बड़ा बर्ड लेके जाते हैं ना एडजस्ट होने में वो आपकी जगह पे बहुत टाइम लगा देता है। तो जब भी बाय करें पट्ठे बाय करें, बड़ा ब्रीडर पेयर किसी से ना लें, वो अच्छा नहीं होता है। या रेडी टू ब्रीड लें या पट्ठे लें, बड़ा ब्रीडर पेयर किसी से भी ना लें, वो अच्छा नहीं आया। देख के चलना चाहिए, एकदम से छलांगे मारने वाला बंदा जो है ना वो मेरे हिसाब से कामयाब नहीं होता। हाँ अल्लाह का करम हो तो अल्लाह तो जैसे मर्जी किसी को कामयाबी दे दे, लेकिन ये है कि एकदम से बड़ी छलांग मारना कोई अच्छा मतलब नहीं है। उसे ही कुज्जे लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी इनमें मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि यार मुझे ब्रीड अच्छी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ब्रीड अच्छी आती है इसमें, तो मैंने इस दफा भी वही ला के लगा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यानी कि ब्रीड में कोई मसला नहीं आता, चाहे आप बॉक्स लगाएं चाहे कुज्जा लगाएं। हाँ जी हाँ जी, कोई टेंशन नहीं। व्हाइट सिल्वर ग्रे है, इसकी कम अज कम उम्र जो है 8 माह होनी चाहिए, ठीक होनी है। तो जो फोन जावा है इसकी कम अज कम उम्र 10 से 12 माह होनी चाहिए, फिर आप इनको बॉक्स दें, आपको ये अच्छी ब्रीड करके देंगे। अगर आप पट्ठों को मतलब 5-6 माह को बॉक्स लगा देंगे, वो आपको सम टाइम ब्रीड तो कर देगा जी जी। लेकिन वो इतनी अच्छी है, आपको इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं देगा, इतनी अच्छी वो उसका आपको मतलब बच्चे तो आएंगे लेकिन वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो कोशिश ये करते हैं कि यार जब प्रॉपर सेल्फ हो, उसकी चोंच क्लियर हो जाए, फिर बर्ड को बेचा जाए। जैसे लोग काली चोंच के पट्ठे बेच देते हैं ना, वो बड़ा जुल्म करते हैं। हिसाब से जब आप बर्ड को डाइट अच्छी देते हो ना, उससे ब्रीड इतनी नहीं लेते। जैसे मैं अब 4 से 5 क्लच सीजन में लेता हूँ, तो बाद में उसको रेस्ट दे देता हूँ। तो अगर आप बर्ड के साथ ऐसा करते हो ना, तो फिर आप बर्ड को जितनी देर मर्जी चला सकते हो, कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम आए हैं तमसील नासर साहब के बर्ड सेटअप पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सर आपने जो लबर्ड रखे हुए हैं, इनमें कौन कौन सी स्पीशीज हैं, कौन कौन सी म्यूटेशन आपने रखी हुई है? मेरे पास इस टाइम सिर्फ क्रीमिनो, डेकिनो और अल्बाइनो रेड आई है। यानी कि कमर्शियल ही रखा हुआ है? हाँ जी, कमर्शियल किया है सारा काम, अभी म्यूटेशंस में नहीं गया, क्योंकि अभी मुझे 3-4 साल हुए हैं। अभी मैं मतलब जितना मुझे कुछ समझ है, मैं उस तरीके से रख रहा हूँ, ज्यादा मतलब करने की जरूरत ही नहीं है। आपको आराम से देख के चलना चाहिए, एकदम से छलांगे मारने वाला बंदा जो है ना वो मेरे हिसाब से कामयाब नहीं होता। हाँ अल्लाह का करम हो तो अल्लाह तो जैसे मर्जी किसी को कामयाबी दे दे, लेकिन ये है कि एकदम से बड़ी छलांग मारना कोई अच्छा मतलब नहीं है। उसमें तो सर कुछ लोग तो कहते हैं कि जो है ना माशाल्लाह, वैसे मेरे ख्याल से तो जो है ना कमर्शियल बर्ड वो सदाबहार बर्ड है, उसका वो जब चाहे आप इसको सेल कर सकते हैं और पैसा भी ठीक है इसमें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो पैसा म्यूटेशन में है ना वो कमर्शियल में नहीं है। तो आपके ख्याल में कि जब भी बंदा कोई नया आता है वो म्यूटेशन भी खरीद सकता है या कमर्शियल ही रखे वो? इसमें नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि म्यूटेशन में पैसे काफ़ी ज़्यादा है जी। लेकिन भाई जान बात यह है कि आपको जब एक बर्ड को रखने का पता ही नहीं है, हाँ जी, तो आप शुरू में ही 4-5 लाख रुपए वाला जोड़ा एक पेड़ ला के आप रख लेते हैं, आपको पता ही नहीं कि यार इससे ब्रीड कैसे लेनी है, तो आपने 4-5 लाख रुपया जाया ही करना है ना। तो उससे अच्छा ये है
के शुरू से अल्बाइनो ब्लैक आई का या स्प्लिट का पेयर लेके रख ले, उससे कुछ थोड़ा सीख ले, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको अपग्रेड करते जाए। सही है। तो सर एक मजेदारी आई बात मैंने आपके ये ना बर्ड साठे पे देखी है कि लोगों ने बॉक्सेस लगाए होते हैं, आपने कुछ लगाए हैं, तो कुजे लगाने का क्या मकसद है, क्या इसमें ब्रीड अच्छी आती है या क्या क्या वजह है इनको लगाने की? भाईजान ये बर्ड जो है ना जी, आप इसको जिस तरह का आदि करेंगे ना जी जी, ये उस तरह का आदि हो जाएगा। सही है। बर्ड को कोई पता नहीं होता कि ये बॉक्स है मैंने बॉक्स में ही ब्रीड करनी है, बर्ड को नहीं पता ये कुजा है मैंने इसमें, उसको तो एक मतलब सेफ साइड चाहिए होती है ब्रीड करने के लिए। सही है। वो आप कुछ भी दे दें। तो अभी मेरा शुरू शुरू जरा था इसमें और मतलब पैसे काफी इन्वेस्ट हो गए थे, तो इसलिए मैंने कुज्जे लगा के, मैं शुरू से ही कुज्जे लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी इनमें मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि यार मुझे ब्रीड अच्छी नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ब्रीड अच्छी आती है इसमें, तो मैंने इस दफा भी वही ला के लगा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यानी कि ब्रीड में कोई मसला नहीं आता, चाहे आप बॉक्स लगाएं चाहे कुज्जा लगाएं। हाँ जी हाँ जी, कोई टेंशन नहीं इसमें। सही है। तो सर अगर कोई न्यू बंदा अगर वो लगा रहा है लबर्ड, तो उसका केज साइज क्या होना चाहिए? भाईजान केज साइज भी अपने शेड के हिसाब से होता है। मैंने अपने शेड को मद्देनजर रखा है कि यार मैंने इतने पेयर्स लगाने हैं, मैंने डेढ़ डेढ़ और दो का लगाया है। सही है। तो कई लोग डेढ़ डेढ़ ढाई का भी लगाते हैं, कई डेढ़ डेढ़ तीन का भी लगाते हैं, तो वो कोई इतना नहीं है, डेढ़ दो में भी ये ब्रीड करता है, डेढ़ ढाई में भी करता है, वो कोई इतना इशू नहीं है। बर्ड को ये है कि इतनी सी स्पेस काफी होती है। सही है। तो आपने फोस्टर पेयर भी रखे हैं या इन्हीं से करवा रहे हैं? जी फोस्टर पेयर भी मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कुछ थोड़े से लगाए हैं क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड से खुद ही वो उससे ब्रीड करवाता हूँ और खुद ही से पलवाता हूँ, लेकिन सम टाइम कोई डिफिकल्ट पेयर उसमें ऐसा आ जाता है कि जो अपने बच्चों को नहीं पालता जी जी। तो वो फिर मैं उसको ऐसा करता हूँ कि उसके बच्चे अंडे जो है उनको फोस्टर कर देता हूँ। ठीक हो गया। सबको नहीं करते। ठीक है। तो सर बात का तो होता है कि लोग जो है ना वो चीज से इसके फोस्टर कर देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं एग फोस्टर कर देते हैं, तो आपके ख्याल में एग फोस्टर करना बेहतर है या चीज फोस्टर करना बेहतर है? एग फोस्टर करना ही बेहतर है क्योंकि वो चिक जब निकल आता है, वैसे वो भी बेहतर है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं, वो भी करके देखा है और एग भी करके देखे हैं, लेकिन जरा एग आप फोस्टर कर दें तो वो ज्यादा बेहतर होता है, वो खुद ही उसे हैच करता है, खुद ही निकालता है, खुद ही पालता है, तो वही बेहतर है। अगर नहीं तो आप वैसे भी कर दें वो भी ठीक है। ठीक हो गया। तो जो लव बर्ड है इसका हैचिंग पीरियड कितने डेज का होता है? सर ये तकरीबन 21 दिन लेता है। सही है। 21 दिन के बाद ये जो है अपने अंडों को हैच कर लेता है। ठीक है। तो बस इतना ही है तकरीबन होता है इसका। सही है। तो जो इसका चिक होता है वो कितने दिन में वो जो है ना अपना सेल्फ हो जाता है? तकरीबन दो माह का जो है ना, डेढ़ से दो माह का चिक जो है वो प्रॉपर सेल्फ हो जाता है, खुद ही से खाने पीने। तो किस एज में इसको सेल कर सकते हैं? जब सेल्फ हो जाता है उस वक्त या इसको पट्ठा बना के फिर सेल्फ जो है ना वो सेल करें? सर मतलब कोशिश यही होती है कि प्रॉपर सेल्फ करूं जी। मैं बर्ड को जब तक वो प्रॉपर सेल्फ नहीं होता, मैं बर्ड को पहले तो मतलब उसके केज से उसके माँ बाप से जल्दी अलहदा करता ही नहीं जी जी। जब तक वो प्रॉपर सेल्फ होता है तब उसको अलहदा करते हैं, अलहदा करके फिर भी अपने पास उसको कम अज कम 10 से 15 दिन 2 से 3 हफ्ते रखता हूँ जी जी। उसको प्रॉपर देख के जब खुद से तसल्ली ना हो जाए कि यार अब ये बिल्कुल प्रॉपर सेल्फ है, खुद से अच्छा खा पी रहा है, खा पी रहा है, खुद से सरवाइव कर सकता है, तब इंशाल्लाह मतलब लोगों को देते हैं, उससे पहले नहीं। मतलब लोग कई बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही छोटे छोटे चिक्स जो हैं वो उनको सेल कर देते हैं, लेकिन उससे मजा नहीं आता भाई, वो बर्ड के साथ भी ज्यादती है और जो लेने वाला बंदा है ना उसके साथ भी बहुत बड़ा वो ज्यादती है, वो भी बेचारा न्यू फैंसियर होता है या पुराना भी जो होता है वो डिसार्ड हो जाता है इस तरह ना बर्ड को लेके, तो वो करना अच्छा नहीं है। थोड़ी देर वेट कर ले, 15-20 दिन से यार कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि उससे जो बर्ड आपसे लेके जाता है ना वो जरा खुश हो जाता है कि यार मुझे बर्ड किसी ने अच्छा दिया है
और वो उसका शौक बजाय के घटने से बढ़ जाता है ज्यादा। सही बात है। तो सर इसमें आपने डिजीजेस क्या क्या फेस किए हैं, क्या इश्यूज आते हैं? सर इश्यूज तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको डाइट ऐसा देता हूँ कि कोई इतने विटामिन वगैरह यूज नहीं करते हैं, जो ओरिजिनल डाइट है जैसे मतलब इनका सॉफ्ट फूड गीला दाना वो देते हैं, एग ब्रेड देते हैं, राइस बॉयल करके देते हैं इन्हें, वो जैसे गाजर हो गया, शिमला मिर्च हो गई, ये चीज़ें, मेथी, लूसन, पालक, ऐसी चीज़ें देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिजीजेज सम टाइम होता है कि आंखों का इसमें वो भी रेड आई में जी इशू आ जाता है, लेकिन वो भी आप उसको प्रॉपर से उसको देखें और करें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना इशू नहीं होता वो भी। तो ये है कि बाहर से जब आप बर्ड ला के कोई रखते हैं ना तब वो सम टाइम इशू ज़्यादा आ जाता है, अदरवाइज आप बाहर से मतलब ज्यादा बर्ड जो लाएं उसको अलहदा रखें फिर उसको मतलब अपने बर्ड के साथ दें तो कोई इतना इशू नहीं। क्या ये जो जे होते हैं इनको भी डिसइंफेक्ट करना जरूरी होता है या इनको वैसे वाश वगैरह करके लगा सकते हैं? भाईजान जब इनका सीजन स्टार्ट होता है तब तो इन्हें वॉश करके हम लगाते हैं जी, लेकिन सीजन में फिर ऐसा होता है कि एक क्लच के बाद इसको पुरानी नेस्टिंग निकाल के उसको साफ करके कुपेक्स पाउडर डाल के तो फिर उसे दोबारा से लगा देते हैं नेस्टिंग करके, वो ठीक हो जाता है। ठीक हो गया। तो सर जो नेस्टिंग होती है वो बर्ड खुद करे तो बेहतर होती है या हम भी उसको करवा दें तो वो भी ठीक चल जाता है? भाई जान कोई थोड़ी बहुत आप खुद भी उसे कर दें, थोड़ी बहुत उसको आप खुद दे दें वो भी कर ले, इसमें जरा ये होता है कि जरा जल्दी वो ब्रीड पे मतलब आपका बर्ड आ जाता है। अगर वो नेस्टिंग करने में 10 से 15 दिन 2 वीक 3 वीक ले लेगा तो फिर वो जाहिर है लेट हो जाएगा उसका। जी जी। तो सर ये जो होता है हमारा जावा इसको हमें बॉक्स किस वक्त लगाना चाहिए, हमें क्या इसमें नजर आ रही हो चीज से ये हमारे बर्ड जो है वो एक दूसरे को यानी कि फीड करवा रहे हैं, क्या हमें निशानी नजर आए तो हम ये इनको बॉक्स लगाए? जब आपके बर्ड की उम्र पूरी हो जी, जो वाइट सिल्वर ग्रे है इसकी कम अज कम उम्र जो है 8 माह होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो जो फोन जावा है इसकी कम अज कम उम्र 10 से 12 माह होनी चाहिए, फिर आप इनको बॉक्स दें आपको ये अच्छी ब्रीड करके देंगे। अगर आप पट्ठों को मतलब 5-6 माह को बॉक्स लगा देंगे वो आपको सम टाइम ब्रीड तो कर देगा जी जी। लेकिन वो इतनी अच्छी है आपको इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं देगा, इतनी अच्छी वो उसका आपको मतलब बच्चे तो आएंगे लेकिन वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो अच्छे बच्चे पालेगा। सही है। तो सर ये जो होती है ये पूरा साल ब्रीड करती रहती है या इनके कुछ क्लासेस यानी कि 2-3 क्लासेस देती है हमें? सर ये बर्ड ऐसा है ये वाला खास करके जावा ये पूरा साल ब्रीड करती है, लेकिन इसको अगर आप गर्मियों में थोड़ा सा ब्रेक दे दें जो हब्बस वाला मौसम होता है ना उसमें 1-2 माह इसे ब्रेक दें तो ज्यादा बेहतर हो जाता है जरा, ताकि उन दिनों में गर्मी ज्यादा होती है, हब्बस ज्यादा होता है, बॉक्स में बैठे बैठे ही बर्ड जो है ना वो एक्सपायर हो जाता है, तो इस वजह से जरा गर्मी जो शदीद गर्मी है उसमें जरा ब्रीड ना लें तो बेहतर है, अदरवाइज ये 12 माह ब्रीड करता है कोई मसला। तो मैक्सिमम हमें इनसे कितने क्लास लेने चाहिए हेल्दी रहे? मैं जो जी इससे क्लच 4 से 5 क्लच लेता हूँ, लोग 7-7, 8-8 भी लेते हैं क्लच जी, लेकिन मैं 4 से 5 क्लच लेता हूँ। मैं अपने बर्ड को ना जरा मुझे ये भी होता है कि यार मैं इसकी बिल्कुल जान ना निकाल। सही बात है। तो सर इसके इसका हैचिंग पीरियड कितने डेज का होता है? ये 18 दिन में अपने बच्चे निकाल। तो बच्चे इनके प्रॉपर सेल्फ कितने डेज में हो जाते हैं? इसका भी यही है 1.5 से 2 माह लगते हैं प्रॉपर सेल्फ होने में, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ वाइट सिल्वर ग्रे की जब तक चोंच क्लियर ना हो जी।
तब तक मैं बर्ड को सेल नहीं करता, क्योंकि वो ना बर्ड जावा ना उसमें नए नए शौकीन को जरा जब वो लेके जाता है बर्ड, मतलब जाते उसके पास अगर मर जाए तो वो बड़ा डिसहार्ड हो जाता है। तो कोशिश ये करते हैं कि यार जब प्रॉपर सेल्फ हो, उसकी चोंच क्लियर हो जाए, फिर बर्ड को बेचा जाए। जैसे लोग काली चोंच के ही पट्टे बेच देते हैं ना, वो बड़ा जुल्म करते हैं। सही बात है। तो सर इसमें अक्सर ये होता है कि इसके बच्चे जो जब सेल्फ हो जाते हैं, तो सेल्फ जब हम वालदैन से ज्यादा करते हैं तो अक्सर वो मर जाते हैं। वो भाई जान यही बात है, आप जब तक वो प्रॉपर सेल्फ ना ना हो, हाँ जी। यार 10-15 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। 10 और ये जावा एक ऐसी है कि ये एक तरफ आपके अपने बच्चों को पाल रही होती है और दूसरी तरफ ये एग ले करके उन पे भी बैठी होती है। सही है। यानी कि बच्चों को यानी कि सेल्फ करते करते उनको फीड कराते कराते ये एग लेइंग कर देती है। तो वो आपको क्या फायदा है उनको जल्दी जल्दी से अलहदा करने का? जब तक वो प्रॉपर सेल्फ हो जाए फिर उनको अलहदा करें, फिर उनको बेचें। सही है। तो ये जो जावा है, इसकी बर्ड की लाइफ आपके ख्याल में मैक्सिमम कितनी है, कितना अच्छा हम इनसे ब्रीड ले सकते हैं? भाई जान देखें, मुझे तो अभी ये तीसरा सीजन है। सही है। मैं हमें ही आपको कहूँ कि ये ऐसे इतने साल रहती है, ये करती है, ये वो करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तीसरा सीजन है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अभी तक तो मेरी जावा फिट है। तो वैसे लोग कहते हैं, सुना मैंने ये है कि 7 से 8 साल का बर्ड जो है वो 7-8 साल तक ब्रीड करता है, उसके बाद मतलब वो जरा ब्रीडिंग उसकी स्लो हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप बर्ड को डाइट अच्छी देते हो ना, उससे ब्रीड इतनी नहीं लेते। जैसे मैं अब 4 से 5 क्लच सीजन में लेता हूँ, तो बाद में उसको रेस्ट दे देता हूँ। तो अगर आप बर्ड के साथ ऐसा करते हो ना, तो फिर आप बर्ड को जितनी देर मर्जी चला सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। सही बात है। तो ये जो जावा है, इसके हमें पट्टे सेल करने चाहिए या प्रॉपर बर्ड जो है जब ब्रीडर पेयर बन जाता है उस वक्त इसको सेल करना चाहिए? क्योंकि अगर पट्टा सेल करेंगे तो 10-12 हज़ार का होगा, अगर ब्रीडर बन जाएगा तो फिर तो माशाल्लाह से कमाई ज्यादा होगी। लेकिन ना मैं कमाई की तरफ, वो तो आपकी बात ठीक है, हाँ जी। लेकिन ना आपको हमेशा बाय जब करना चाहिए, पट्टा बाय करना चाहिए, क्योंकि जब आप उसको जाके रखते हैं ना अपने एटमॉस्फेयर में, वो एडजस्ट हो जाता है। जधर वो उस जाके जिस जगह पे वो बड़ा होता है ना आपका बर्ड, वो उसको अपना घर समझ लेता है कि अब ये मेरा घर है, वो फिर उधर ब्रीड बहुत अच्छी करता है। अगर आप बड़ा बर्ड लेके जाते हैं ना, एडजस्ट होने में वो आपकी जगह पे बहुत टाइम लगा देता है। तो जब भी बाय करें, पट्टे बाय करें, बड़ा ब्रीडर पेयर किसी से ना लें, वो अच्छा नहीं होता है। या रेडी टू ब्रीड लें या पट्टे लें, बड़ा ब्रीडर पेयर किसी से भी ना लें, वो अच्छा नहीं है। आप तो सर अगर कोई आपसे रابطہ करना चाहे तो वो किस तरह कर सकता है, और आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ आके आपसे मिला जा सकता है और बर्ड परचेज किए जा सकते हैं? भाईजान मेरी लोकेशन लाहौर चामीरा है, और मेरा नंबर है 03225545779। तो मतलब लाहौर में इधर मेन पे ही मैं हूँ, तो कोई आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। कोई मसला